हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू SSC स्मार्ट क्लासेस। देखिए, ज्योमेट्री का एक और क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ मैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, दिखने में काफ़ी सिंपल है बट एक्चुअल में बहुत कंसेप्ट है उसके पीछे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। एंड हाँ, अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए दोस्तों, ये सब मैं आपके लिए कर रहा हूँ, मैंने एक मुहिम छेड़ी है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही कहते हैं कि मेरा मैथ्स बहुत वीक है और ज्योमेट्री और मेंसुरेशन तो बहुत ज़्यादा वीक है। देखिए, मैं अपनी बात कर देता हूँ, ठीक है। ऑल्दो मेरे बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स मैंने दिए हैं, ठीक है, और किसी ना किसी वजह से मैं रह जाता हूँ, ठीक है। इट डज़न्ट मीन कि मेरे को कुछ नहीं आता, ठीक है, और क्वेश्चंस या फिर कॉन्सेप्ट्स मेरे वीक हैं, ठीक है। लेकिन मैंने एक मुहिम छोड़ी है, ठीक है। जिस भी स्टूडेंट्स और जितने भी इसमें मेरे पास क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं, जितनी भी मेरे पास नॉलेज है, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मैं मदद करना चाहता हूँ ताकि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए और सारे मैथ्स में परफेक्ट बन जाए, उनको किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत नहीं आए, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन है, ये एंगल 45 दिया है, ये एंगल 30 दिया है, आपको ये अल्फ़ा बताना है, ठीक है। देखने में कितना इजी क्वेश्चन लग रहा है कि 2 मिनट में हो जाएगा। चलिए, अच्छी बात है, अगर आपसे 2 मिनट में हो जाए तो प्लीज़ वीडियो को पॉज कीजिएगा और फिर वो क्वेश्चन जो है वो सोल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो मैं इसका सोल्यूशन करवा रहा हूँ, तो देखिए किस तरह से करना है ये क्वेश्चन। देखिए, यहाँ पे आप एक परपेंडिकुलर ड्रा करिए, ऑलवेज बेस्ट कंसेप्ट है परपेंडिकुलर ड्रा करने का, ठीक है। अब ये 45 डिग्री है, यानी कि आपका 45 होने का मतलब ये और ये आपकी इक्वल होगी, यानी कि ये अगर एक्स है इस पॉइंट पे, तो ये भी आपका एक्स हो गया। ये एंगल 30 है तो ये भी आप निकाल सकते हो, अगर ये एक्स है तो ये हो गया आपका एक्स रूट, ठीक है। मत पूछना कि ये कैसे है, वो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस इज इक्वल टू 10 30 का कंसेप्ट लगाया है मैंने, और कुछ भी नहीं लगाया है यहाँ पे। इतनी चीज़ समझ में आ गई आपको? अब यहाँ पे देखिए, आपको एक और चीज़ गिवन है यहाँ पे, बी डी इज इक्वल टू डी सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसके बिना कुछ भी नहीं है। ये टोटल कितनी होगी, 2x, सॉरी ये x प्लस एक्स रूट 3, ठीक है। तो ये भी कितनी होगी, एक्स प्लस एक्स रूट 3, ठीक है। अब इससे आपका आंसर निकल जाएगा। अब मैं इस पूरी फिगर की बात करता हूँ, ये ठीक है, ठीक है, इस पूरी फिगर की बात। ये एक्स है, ये बी ए और ये डी, ये 45 है तो ये आपका कितना हो गया, ठीक है। चलिए, जितना भी हो वो एक डिफरेंट इशू है। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, ये एक्स है और ये कितना हो गया आपका एक्स प्लस एक्स 2x, ठीक है। ये टोटल कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक, यानी कि x इंटू 2 प्लस अंडर रूट 3, ये x है तो आपके पास ये एंगल निकल जाएगा, यानी कि x ओवर में x इंटू 2 प्लस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 10 थीटा, ठीक है। तो यानी कि ये टेंजेंट, तो कौन सा एंगल जिसकी वैल्यू ये होती है, तो इसकी होती है टेंजेंट 50 की, 15 डिग्री की। तो यानी कि ये आपके पास 15 डिग्री आ गया, ठीक है। ये 15 डिग्री आ गया आपके पास, और ये आपको पता ही है कितना है, 180 माइनस 45, ये लीनियर पेयर बना रहा है। ये आप सीधा ही देख, चलिए देखते हैं, ये 45 है, ये 90 है, तो ये 45 हो गया, ठीक है। ये 15 है और ये आपका हो गया 90, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपके पास, अल्फ़ा मतलब ये टोटल आप काउंट करिए, 90 प्लस 15, 105, 180 में से 105 गए, 10 में से 5 गए 5, 75, 75 में से ये 45 है तो ये कितना हो गया 30, 30 मेरा आंसर है, ठीक है। यहाँ पे टेंजेंट 50 की वैल्यू निकालना सीखते हैं हम, यानी कि टेंजेंट 60 माइनस 45, ठीक है। टेंजेंट ए माइनस बी का फार्मूला लगाइए, टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी, टेंजेंट बी यही होता है। अब फॉर्मूला लगाते हैं, टेंजेंट 60 1/√3, सॉरी √3 माइनस 1, टेंजेंट 45 1 प्लस, ये तो 1 हो गया टेंजेंट
ये 1/√3 हो गया, सॉरी √3, -1 ओवर 1+√3। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर करिए, सॉरी ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर हो गया, ठीक है। तो ये ऊपर वाला करेंगे तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab अपॉन में ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, यानी कि 3 - 1 2, तो आ गया 4 - 2√3 अपॉन 2, और ये आ गया आपके पास 2 - √3, ठीक है। और ये भी कितना था आपके पास, इसको भी रेशनलाइज द डिनोमिनेटर करिए। वन ओवर में 2+√3, 2 - √3 और 2 - √3, तो ये कितना हो गया आपके पास, 2 - √3, ये 4 - 3 1, 2 - √3, ठीक है। ये आपके पास आंसर आ गया। और क्या होता है टेंजेंट का फॉर्मूला, टेंजेंट 2 थीटा का, साइन 2 थीटा 1+ कोस 2 थीटा, सॉरी ये टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा और 1+cos 2 थीटा, यानी कि साइन 15 डिग्री, इसकी वैल्यू यहाँ से भी निकाल लेते हैं, साइन 30 डिग्री 1+cos 30 डिग्री, साइन 30 1/2 और कोस 30 √3/2 विच इज़ इक्वल टू 1/√3, यही आपका आंसर था और यही मैंने इससे निकाला था, ठीक है। तो ये आपका 15 इस तरह से आया, तो ये चीज़ आपको देखनी है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको 2 सेमी सर्कल दिए हुए हैं, ठीक है। 2 सेमी सर्कल्स में आपके पास CD और AB इसके डायमीटर्स हैं, ठीक है, डायमीटर्स हैं। और आपको क्या क्या गिवन है वो देख लेते हैं, ठीक है। आपको CE 3 दिया हुआ है और EF आपको टोटल 7 दिया हुआ है और FD आपको 2 दिया हुआ है, ये 2 दिया हुआ है, ठीक है। यानी आपको टोटल 7 बनाना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब डायमीटर भी आपको सेम रखना है, ठीक है। तो मैं कैसे डिवाइड करूँगा इसको, इसको मैं 4 कर देता हूँ, इधर से 3 इधर से 4, क्योंकि ये रेडियस आपका इक्वल हो गया, ये भी आपका 6 हो गया, ये भी आपका 6 हो गया। आपको ए भी बताना है कि क्या होगा, यही ट्रिक पार्ट था। इतनी चीज़ मेरे को समझ आ गई, ठीक है। ई एफ 7 है, एफ डी आपका 2 हो गया और सी ई आपको 2 दिया था, ये चीज़ आपको गिवन है। तो ये मैंने अपने से मोल्ड कर ली, ठीक है। कोई टफ क्वेश्चन नहीं था, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इसमें ज्योमेट्री में आप नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बना सकते हो, ठीक है। डजेंट मीन कि आपको क्वेश्चन सोल्व मैं करवाऊँ, जितने मर्जी क्वेश्चंस आपको सोल्व कराता रहूँ, डजेंट मैटर। मेन चीज़ है, इन क्वेश्चन को करवाने का मकसद यही है कि आप पीछे कंसेप्ट क्या है वो सीखिए। क्वेश्चन तो जितने मर्जी बना लोगे आप, कैसे मर्जी फिगर्स को मोल्ड कर लो, मेन चीज़ है कंसेप्ट समझना। अगर वो कंसेप्ट समझ लिया तो आप कोई भी क्वेश्चन आराम से कर पाओगे। तो आगे देखते हैं कितनी इंटरेस्टिंग फैक्टर्स इसमें छुपे हैं। देखिए अब ये और ये रेडियस हो गया, तो मैं ये ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है। ये और ये भी एक रेडियस है इस पूरे सेमी सर्कल के लिए, ड्रा कर लेता हूँ। यहाँ से जब मैं परपेंडिकुलर ड्रा करूँगा, ये आपको पता है 6 है, ठीक है, और ये अब आपको पता है ये इसका डायमीटर है, तो इसका रेडियस आर हो गया, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, बिकॉज ये साइड और ये साइड आपकी इक्वल है और दो साइड इक्वल हैं, आइसोसेलस बन गया। अब मेरे को नहीं पता वो इक्विलेटरल है आइसोसेलस है, अगेन जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया था, पिछली वाली वीडियो देख लीजिएगा, इससे जस्ट पिछली वाली वीडियो, ठीक है, या डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। तो ये वर्टेक्स से जब आप ये ड्रा करोगे तो ऑलवेज 90 डिग्री बनाएगा, तो आपको इतनी साइड निकल जाएगी, इतनी साइड मेरे पास क्या आएगी,
36 माइनस आर स्क्वेयर का अंडर रूट, सिंपल पाइथागोरस लगाइए यार, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरह से एक और फिगर यू मोल्ड कर लो, सिर्फ मोल्डिंग का कंसेप्ट है और कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब ये और यहाँ से ये 3 है, ये मेरे को पता है कितनी है, ठीक है, 36 माइनस आर स्क्वेयर, ठीक है। और ये यहाँ से ये सेंटर है, और ये यहाँ पे ये सेंटर से कहीं मर्जी आप ड्रा कर लीजिए, वो आर ही रहने वाला है, तो ये आर हो गया, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई आपको, ठीक है, और ये आपको पता ही है, ठीक है। तो मैं इन दोनों फिगर्स के लिए कोसाइन रूल लगाऊंगा, ठीक है। जैसे ही मैं कोसाइन रूल लगाता हूँ, मेरा आंसर फट से आ जाएगा। अब आपको पता है, देखिए ये आर है, ये भी आपका आर है, ठीक है, ये आर है, ये भी आपका आर है, ठीक है। तो यानी कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया, बिल्कुल इक्वल हो गया। अब कोसाइन का रूल लगा लीजिए, आपको पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो कोस, ये आर है, ये 3 है, मतलब इस तरह से देखिए ना, ये 90 डिग्री, सॉरी ये तो यहाँ पे 90 है, ये आर है, ये 3 है, और ये मेरे को साइड पता है, ठीक है, कितनी है, अंडर रूट 36 माइनस आर स्क्वेयर, ये इतनी है ना, ये आर है, ये 3 है, ठीक है। अब यहाँ पे थीटा निकाल लीजिए, कोस थीटा विच इज़ इक्वल टू, इतना आया कोस थीटा। अब आपको पता ही है, आर स्क्वेयर प्लस 9 माइनस इसका स्क्वेयर अपॉन 2 आर इंटू 9, ये कोस थीटा निकाल लीजिए, ठीक है, ये आर है और ये 4 है, ठीक है। आर स्क्वेयर प्लस 16 माइनस 36 माइनस आर स्क्वेयर अपॉन में 2 इंटू आर इंटू 4, ये आ गया। इन दोनों को इक्वेट कर लीजिए, इक्वेट करने के बाद मेरे पास आ गया, ठीक है, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, सॉरी ये 3 है, ठीक है, 6 आर आ गया, आर से आर कैंसिल आउट हो गया, तो ये मेरे पास बन गया 2 आर स्क्वेयर प्लस माइनस 27 अपॉन ये 3 और ये 4, ठीक है, अपॉन 3 इज इक्वल टू आर स्क्वेयर, 2 आर स्क्वेयर माइनस के 20 अपॉन 4, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके मेरे पास 2 आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 48 आ गया, आर इज इक्वल टू 24, आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 24, और आर मेरे पास आ गया 24 का अंडर रूट, मेरे को डायमीटर बताना था उसका, तो 2 आर यानी कि 2 इंटू 24 अंडर रूट, ठीक है, ये मेरे पास जो है वो आंसर आ गया। सो तब तक के लिए धन्यवाद, एंड प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखिए मैं आप लोगों को ज्योमेट्री में बिल्कुल परफेक्ट बनाना चाहता हूँ, ठीक है, तो उसके लिए यार मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जो वीडियोस हैं लोगों तक पहुँचानी है, उसके लिए सब्सक्राइबर की ज़रूरत है, ठीक है, तो वो आप लोगों से ही मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ सब्सक्राइब करने की, तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आप डेली कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखेंगे, मैं इतनी आपको गारंटी दे सकता हूँ। कभी कभार मैं स्किप कर देता हूँ वीडियोस, मुझे कुछ काम होते हैं, ठीक है, लेकिन मैं ये चीज़ कंटिन्यू रखूँगा, ठीक है। आपको जब तक मैं पूरा क्वेश्चंस नहीं दे देता, ठीक है, तब तक मैं ये वीडियोस बनाता रहूँगा। सो तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है।